we see the arrival of the honorable prime minister shri narendra modi warm greetings from all present in darbar hall gallantry awards along with other defense distinguished service awards are conferred by the president at the defense investiture ceremony held every year at rashtrapati bhavan However, the Paramvir Chakra and Ashok Chakra are conferred by the President on the occasion of Republic Day at Rajpath. The Wartime Gallantry Awards were established on the 26th of January 1950, with retrospective effect from the 15th of August 1947. These awards are the Paramvir Chakra, which is the highest military award in India. Awarded for national bravery in the presence of the enemy, Mahavir Chakra, the Vir Chakra. राष्ट्रपति महोदय, आपके आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्य पूर्ण कार्यो के लिए शौर्य चक्र लांस नायक संदीप सिंह चतुर्थ बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत 22 सितंबर 2018 को लांस नायक संदीप सिंह विशेष बल के उस दल के प्रथम स्काउट थे जिन्होंने 12500 फुट ऊंचाई वाले रेतनार इलाके में खूंखार विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया चट्टानी और वनस्पति रहित इलाका होने के कारण ऑपरेशन की परिस्थितियां और भी कठिन हो गई थीं लांस नायक संदीप सिंह ने आतंकवादियों के सटीक स्थान का पता लगाकर अपने दल को तुरंत सतर्क किया आतंकवादियों ने दल के ऊपर भारी गोलीबारी शुरू कर दी युद्ध कौशल दिखाते हुए वे आतंकवादियों के नजदीक चले गए और राइफल के दुरुस्त फायर से एक आतंकवादी को मार गिराया तभी वे ग्रेनेड से जख्मी हो गए इसके बावजूद अपने दल के ऊपर गोलाबारी कम करने के लिए साहस का परिचय देते हुए उन्होंने दो आतंकवादियों को अपनी ओर व्यस्त किया इसी दौरान गोली लगने से उनकी राइफल नजदीकी खाई में गिर गई खुद की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपने दल को बचाने के लिए उन्होंने आतंकवादियों के साथ गुत्थम गुत्था का युद्ध शुरू कर दिया तभी तीसरे आतंकवादी ने उनके ऊपर फिर गोलाबारी की जिसके कारण वो प्राणघात जख्मी हो गए उन्होंने अदम्य साहस असाधारण वीरता निस्वार्थता तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए एक खूंखार विदेशी आतंकवादी को मार गिराया और दो अन्य आतंकवादियों को बुरी तरह से घायल कर दिया इस प्रकार लांस नायक संदीप सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने दल के सदस्यों को सुरक्षित रखा जिस कारण उनका दल तीन अन्य आतंकवादियों का खात्मा करने में सफल रहा और उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं के अनुसार राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय लांस नायक संदीप सिंह की पत्नी श्रीमती गुरप्रीत कौर सिपाही ब्रिजेश कुमार दी पंजाब रेजिमेंट 22वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत छब्बीस अक्टूबर 2018 पाजलपुरा गांव जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के छिपने की जानकारी के आधार पर सैन्य अभियान शुरू किया गया पहले आतंकवादी को सुबह चार बजकर बीस मिनट पर अपने जवानों द्वारा मार गिराने पर दूसरा आतंकवादी मेजर सागर प्रकाश परदेशी सेना मेडल की तरफ बढ़ने लगा अपने साथियों पर खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने दूसरे आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और निकासी के रास्ते को रोक दिया परंतु दूसरा आतंकवादी फिर भी रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा और सिपाही ब्रिजेश कुमार की तरफ ग्रेनेड फेंका जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए घायल होने के बावजूद उन्होंने निकासी से इनकार कर दिया और रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे और दूसरे आतंकवादी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया अंततः वे वीरगति को प्राप्त हो गए सिपाही ब्रजेश कुमार ने अदम्य साहस वीरता एवं उत्कृष्ट मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए श्रेणी ए प्लस प्लस पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया स्वर्गीय सिपाही ब्रजेश कुमार की पत्नी श्रीमती श्वेता कुमारी पही हरी सिंह द ग्रेनाइटियर्स 55वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरुणोपरांत 17 18 फरवरी 2019 की रात को गांव पिंगलाना जिला पुलवामा जम्मू और कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर एक अभियान शुरू किया गया सिपाही हरीश सिंह ने मेजर विभूति शंकर डोंडियाल के साथ सामने से नेतृत्व किया आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की जिसके परिणाम स्वरूप सिपाही हरीश सिंह कई गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को भागने नहीं दिया अपनी जान की परवाह न करते हुए वे प्रभावी गोलाबारी करते हुए गोलाबारी के बीच गौशाला के नजदीक गए जब आतंकवादी गौशाला से अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए बाहर निकले तब उन्होंने भारी गोलाबारी करके एक आतंकवादी को मार गिराया और एक अन्य आतंकवादी को घायल कर दिया और अभियान स्थल पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम आतंकवादी संगठन श्रेणी ए प्लस प्लस के रूप में हुई इस प्रकार सिपाही हरि सिंह ने कर्तव्य निष्ठा अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय सिपाही हरि सिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई इमरान टाक उप निरीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एस डी पीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी जिससे आतंकवादी घायल हो गया अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मना कर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नज़दीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर श्री आशिक हुसैन मलिक विशेष पुलिस कार्मिक जम्मू एवं कश्मीर मरणोपरांत श्री आशिक हुसैन मलिक जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में विशेष पुलिस कार्मिक के रूप में तैनात थे 21 जून 2018 को गांव के एक मकान में आतंकवादी होने की सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राइफल्स एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़कर वहां से भाग निकलने के उद्देश्य से अंधा धुंध गोलियों की पौछार शुरू कर दी श्री आशिक हुसैन मलिक ने स्वेच्छा से एक प्रहारक दल का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और आतंकवादियों की गोलियों का जवाब देते हुए आगे बढ़े तथा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उनके अत्यंत करीब पहुंच गए बेहद नजदीक से हो रही आमने सामने की गोलीबारी के दौरान श्री आशिक हुसैन मलिक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए एवं अंततः वीरगति को प्राप्त हुए उनके अदम में साहस की प्रेरणा से चारों सशक्त आतंकवादियों को मार गिराया गया अदम्य शौर्य अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए श्री आशिक हुसैन मलिक ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय श्री आशिक हुसैन मलिक की माता श्रीमती शाहजादा बानो एवं पिता श्री मोहम्मद मकबूल मलिक कांस्टेबल श्री कमल किशोर जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। परंत सोलह अक्टूबर 2018 को श्रीनगर में सूचना प्राप्त हुई कि हिजबुल मुजाहिदीन का कट्टर आतंकवादी मेहराजुद्दीन बांगरू अपने साथियों के साथ श्रीनगर में छिपा हुआ है और एक आतंकी हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा है इन आतंकवादियों की पहचान करने उनका विनाश करने के लिए एक टीम गठित की गई जैसे ही मध्यस्थ पार्टी लक्षित घर के निकट पहुंची उसी समय घर की छत पर मोर्चा लेकर छिपे हुए आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कांस्टेबल कमल किशोर आतंकवादियों से लोहा लेते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए उनके असाधारण त्याग ने सभी आतंकवादियों को मार गिराने में अतुलनीय योगदान दिया कांस्टेबल कमल किशोर ने अदम्य साहस अटूट समर्पण एवं कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय कांस्टेबल कमल किशोर के पिता श्री मोहनलाल श्री अमन कुमार उप पुलिस अधीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मरणोपरांत फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कुलगांव पुलिस चौंतीस राष्ट्रीय राइफल्स तथा 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया तलाशी के दौरान अचानक एक घर में छिपे आतंकवादियों ने इस दल पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी तलाशी दल ने इसका सटीक जवाब दिया इसके बावजूद इस गोलीबारी में दो जवान घायल हो गए उप पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दोनों घायलों को सुरक्षित निकाला और पास के अस्पताल में भेजा इस जाबाज अफसर ने मोर्चा संभाला और कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया जिसकी पहचान बाद में एक पाकिस्तानी आतंकी के रूप में की गई इस बीच अन्य दो आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी से अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए एवं वीर गति को प्राप्त हुए उनकी अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेकर तलाशी दल ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया श्री अमन कुमार ने आतंकवाद का खात्मा करने राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए अद्वितीय कौशल अदम्य साहस एवं अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय श्री अमन कुमार की पत्नी श्रीमती सरला देवी एवं माता श्रीमती पूजा देवी पिल्ला नरसिम्हा राव जनरल एंडोरेशन मरणो पर दो सितंबर 2019 को प्रातः लगभग सात बजे नवी मुंबई के उड़ान स्थित ओ के प्लांट में आग लगने की एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी स्वर्गीय श्री चल्ला पिल्ला नरसिम्हा राव मैनेजर उत्पादन उस दिन प्लांट पर रेजिडेंट प्लांट सुपरिंटेंडेंट के रूप में तैनात थे दुर्घटना की सूचना मिलते हुए सीआईएसएफ के अपने तीन अग्निशामक कर्मियों की टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे फील्ड क्षेत्र से नियंत्रण कक्ष तक हाइड्रोकार्बन की गंध महसूस करते ही उन्होंने खतरे को भांप लिया इस बहादुर अधिकारी ने केवल तीन सी कर्मियों के साथ उचित कार्यवाही करने का निर्णय लिया तथा वहां कार्यरत बाकी सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया इस दौरान भीषण आग की लपटों ने उन्हें और उनके बहादुर अग्निशामक दल को अपनी चपेट में ले लिया अपने इस महान त्याग से उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की और संगठन को एक बड़ी हानि होने से बचाया श्री चल्ला पिल्ला नरसिम्हा राव ने अदम्य साहस असीम समर्पण एवं अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय श्री, श्री चल्ला पिल्ला नरसिम्हा राव की पत्नी श्रीमती सी पद्मलता राव असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल दलीप सिंह विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पोडाली शंकर राजेश्वर अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल बार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल असीत भाईलाल मिस्त्री अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त इन जनरल अरविंद दत्ता अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त इन जनरल रविंद्रपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त एडमिरल अतुल कुमार जैन अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत शल सुरेंद्र कुमार घोटिया विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त एयर मार्शल राजीव दयाल माथुर अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त major general of lieutenant general mukesh kumar sena medal मार्शल प्रदीप पदमाकर बापट विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त युद्ध संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल जनरल राणा प्रताप कलिता अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। साधारण कोटी की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल वाइस एडमिरल किरण मानिक राव देशमुख विशिष्ट सेवा मेडल वाइस मार्शल बावी सेटी चंद्रशेखर लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव विशिष्ट सेवा मेडल बार सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल कालीदास श्रीनिवास नौसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त Major General Ab Lieutenant General NS Raja Subramani Sena Medal Vishesh Seva Medal जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर युद्ध सेवा मेडल मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह विशेष सेवा मेडल मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी सेना मेडल मेजर जनरल भानु प्रताप सिंह Major General Jasbir Singh Sandhu.

Vice Marshal Makarand Rana why you மேஜர் ஜனரல் சுரேந்திர பாமனி சேனா சேவான मेजर जनरल राजेश कुंद्रा सेना मेडल सेवानिवृत्त जनरल शमी राज सेना मेडल सेवानिवृत्त मेजर जनरल कालिका प्रसाद सिंह युद्ध सेवा मेडल सेवानिवृत्त मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल संजय दर्शन बेहरा सेवानिवृत्त

रियर एडमिरल वी मोहन दोस विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त Vice-Marshal Amar Prasad Babu Gutikonda, Y.U. Sena Medal, Sevanivrit. वाइस मार्शल निखिल रमेश चिटनिस विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त वाइस मार्शल सत्तारू भानोजी राव विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त वाइस मार्शल लक्ष्मी नारायण शर्मा सेवानिवृत्त शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यो के लिए शौर्य चक्र सिपाही अबलांस नायक करमदेव उठवीं बटालियन दि बिहार रेजिमेंट आठ बिहार रेजिमेंट के सिपाही करमदेव ओरान को नियंत्रण रेखा पर स्थित सैन्य चौकी पर लाइट मशीन गनर के रूप में तैनात किया गया था उनतीस दिसंबर 2018 को शाम साढ़े चार बजे सैन्य चौकी पर शत्रु सैन्य चौकियों के ओर से स्वचालित हथियारों से पीका और रॉकेट चालित ग्रेनेड से गोलीबारी प्रारंभ कर दी गई सिपाही करमदेव ओरान ने चार आतंकवादियों को गोलीबारी करते हुए सैन्य चौकी की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा जिनसे सैन्य टुकड़ियों को खतरा हो सकता था आपने अपनी लाइट मशीन गन के साथ आतंकवादियों का डट कर सामना किया जिसमें आपके बुलेटप्रूफ पटके पर गोली लगी और आप गिर पड़े अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आप अपने बंकर से बाहर निकले और नौ ग्रेनेड दाग दिए तथा आतंकवादियों का निकट से सामना करने लगे इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणाम दो आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिल गई एकाग्र आक्रमण को लगातार जारी रखते हुए आप लाइट मशीन गन की ओर तेजी से दौड़े और पुनः गोलीबारी प्रारंभ कर दी और ये सुनिश्चित किया कि आतंकवादी अब कोई प्रयास नहीं कर सके इस तरह सिपाही करमदेव ओरान ने इस ऑपरेशन को पूरा करने में अद्भुत शौर्य तथा अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया लांस नायक करमदेव ओरान अजवीर सिंह चौहान छठी बटालियन गढ़वाल राइफल्स राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान दिनांक 18 अगस्त 2018 को एम्बुश पर बेलाचार जिला कुपवाड़ा जम्मू और कश्मीर में तैनात थे दिन के सवा 12:30 बजे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम पर आपने संदिग्ध गतिविधि देखी जिसे देखते हुए आपने अपने साथी राइफलमैन प्रीतम सिंह के साथ उपयुक्त जगह पर मोर्चा ले लिया तभी आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी दोनों ने रेंगते हुए नजदीकी पेड़ तक पहुंचकर आड़ ले ली आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी और उसके बावजूद आपने अपने फायर को नियंत्रित रखा और अपने साथी को भी ऐसा ही करने के लिए निर्देश दिया आतंकवादियों के पास اسلح बारूद खत्म होने पर जब दो आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भागने लगे तो रेंगकर आगे बढ़कर आपने आमने-सामने की लड़ाई में दोनों आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया आप दूसरे स्थान पर पहुंचे और तीसरे आतंकवादी को अपने फायर में व्यस्त रखा जिसको आपके साथी राइफलमैन प्रीतम ने मार गिराया इस प्रकार राइफलमैन अजवीर सिंह ने अदम्य साहस सामरिक कार्य कुशलता तथा सूझबूझ का परिचय दिया और अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए तीन में से दो आतंकवादियों को मार गिराया राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान स्टेबल जाकिर हुसैन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तेरह सितंबर 2018 को दस बजकर पचपन मिनट पर धीरती गांव के एक मकान में तीन विदेशी आतंकवादी होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होते ही सीआरपीएफ की एक छोटी टीम उस स्थान की ओर निकल पड़ी जिसमें कांस्टेबल जाकिर हुसैन एक सदस्य के रूप में थे आतंकवादियों ने उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी श्री हर्षपाल सिंह उपकमांडेंट ने अपने साथी कांस्टेबल जाकिर हुसैन के साथ उन पर जवाबी हमला करने के लिए घुटनों के बल पर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया आतंकवादियों ने उनके ऊपर लगातार ग्रेनेडो से भारी गोलीबारी कर दी श्री हर्षपाल सिंह उपकमांडेंट और कांस्टेबल जाकिर हुसैन के संयुक्त प्रयासों से एक आतंकवादी घटना स्थल पर ही मारा गया और शेष दो जख्मी हो गए दोनों ही वीरों को आतंकवादियों का सामना करने में गोली लगी अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद योद्धा की तरह दोनों ही अटल होकर डटकर युद्ध करते रहे उन्हें मोर्चा छोड़ना नामंजूर था दोनों योद्धाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया शेष दोनों आतंकवादियों को उनके टीम द्वारा निरंतर गोलीबारी करके धराशायी कर दिया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए एक सच्चे सैनिक और युद्धक साथी की तरह कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंकवादियों का सामना किया उन्होंने बल्कि सर्वोच्च परंपरा को बनाए रखते हुए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया कांस्टेबल जाकिर हुसैन श्री सुभाष चंद्र हेड कांस्टेबल अब एएसआई जम्मू एवं कश्मीर पुलिस उन्नीस अक्टूबर 2018 को कराल लहर राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग बारामूला में बारामूला के पुलिस घटक एवं सीआरपीएफ की त्रेपनवी बटालियन द्वारा एक संयुक्त नाका की स्थापना की गई थी दोपहर डेढ़ बजे बारामूला कस्बे की तरफ से आ रहे वाहन में सवार एक यात्री ने अचानक एके सैतालीस राइफल निकाल ली और आप पर फायर कर दिया आपने तुरंत खुद को बचा लिया। वाहन में सवार निर्दोष लोगों की जान बचाने के साथ साथ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये एक बेहद कठिन घड़ी थी एक सिविल यात्री किसी तरह से आपके पास पहुंचने में कामयाब रहा और आपने इस सिविलियन के लिए मानव कवच का काम किया आतंकवादी की अंधाधुंध गोलियां सौभाग्य से आपको और सिविलियन यात्री को नहीं लगी वाहन में अभी भी बंधक थे गोलीबारी करके भागते आतंकवादी को आपने अचूक निशानेबाजी से मार गिराया। आपने एक स्टंट ग्रेनेड सड़क की तरफ फेंक कर आतंकवादियों का ध्यान बटाया और इसी क्षण यात्री वाहन से उतर गए और आपने पुलिस सीआरपीएफ सेना की अन्य टुकड़ियों से कवर फायर के साथ सशस्त्र आतंकवादी को मार गिराया इस प्रकार अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति में चार आम नागरिकों के जीवन की रक्षा करते हुए हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के दो दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया कर दिया श्री सुभाष चंद्र एएसआई कांस्टेबल सावले दयानेश्वर श्रीराम, राम त्रेपनवी बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बारामूला जम्मू एवं कश्मीर 19 अक्टूबर 2018 को कांस्टेबल सावले दयानेश्वर श्रीराम श्रीनगर बारामूला रोड पर वाहनों की जांच कर रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कवर देने के लिए नाका ड्यूटी पर तैनात थे दोपहर लगभग डेढ़ बजे पुलिस द्वारा एक कार को तलाशी के लिए रोका गया जिसमें सवार महिला यात्री ने वाहन से नीचे उतरकर भागने का प्रयास किया कांस्टेबल ध्यानेश्वर किसी गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे इसी बीच गाड़ी में बैठे आतंकवादी ने पिस्तौल निकालकर जांच कर रहे पुलिसकर्मी पर गोली चला दी लेकिन उसका निशाना चूक गया इसी दौरान कांस्टेबल सांवले को अपने नजदीक पाकर आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी गजब की फुर्ती दिखाते हुए इस जाबाज सिपाही ने अपने सटीक निशाने से उस आतंकवादी को मार गिराया इसी दौरान गाड़ी में बैठा दूसरा आतंकवादी अपनी ए के राइफल से गोली बरसाते हुए भागने लगा कॉन्स्टेबल श्रीराम ने अपने साथी के कवरिंग फायर की मदद से दूसरे आतंकवादी को भी अपनी गोलियों से ढेर कर दिया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन करते हुए कांस्टेबल सावले ध्यानेश्वर श्री राम ने अदम्य साहस अनुकरणीय पराक्रम एवं कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता का परिचय दिया सांवले ध्यानेश्वर श्री राम महोदय आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए